रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के रूटीन दिखाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा हाफिज़ व्लॉग और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मैं ऊपर आया हूँ और सबसे पहले फिशेज को खुराक डालनी है और आप लोगों को दिखाते हैं। आज मैं मदरसे से भी आया था तो मैं सारे से पहले आ चुका हूँ जी ऊपर। मैंने सारे बजिस वगैरह की भी वो खिड़की मैंने खोलनी है और दाना फिशेस को डाल दिया है, खाना उनका डाल दिया है और अब चलते हैं जी अंदर इनको लाकर। अमरूद भी डालते हैं ये बाहर वाले बर्ड्स को, पहले भी देख सकते हैं मसला काफ़ी ज़्यादा अमरूद पड़े हुए हैं तो ये भी पड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों इन लोग जो बीज होते हैं वो इसके अंदर ही होते हैं तो ये खा लेते हैं। और ये पड़ा है जी इन्हों का दाना, अगर इन्हों का दाना खाने का दिल चाहे तो ये खा लेते हैं, नहीं तो ये बाजरा भी पड़ा देख सकते हैं, बाजरा ही पड़ा है। और दोस्तों इनके हमने न्यू शिफ्टिंग किया है देख सकते हैं आप, आपको जैसा कि मैंने बताया था कि जो है रिंग नेक मेल वो इनको उधर ब्रीड नहीं करने देगा, रिंग नेक यहाँ से उड़ता था उन्हों के पास चल जाता था और इन्हों को ऊपर बैठने नहीं था देता। तो मैंने और मेरे भाई ने ये सोचा है कि इनको अलहदा केज में बंद कर देते हैं, तो फिर ये ऐसा होगा ना केज में बंद करने से इन्हों की माशाल्लाह फिर ग्रोथ भी अच्छी होगी और यहाँ पर ये ब्रीड भी कर सकेंगे, इसलिए हमने इनको बंद कर दिया इस केज के अंदर। और केज हम बाहर से अंदर ले आए थे, आपको वीडियो कल बनाना मैं भूल गया था, तो कज़न मेरे आए थे जो आपको पहले दिन दिखाए थे, मैंने कज़न आए थे उन्हों के साथ मैंने अंदर रखवा दिया था। भाई इसका सबसे पहले खोलते हैं जी दरवाज़ा, खिड़की खोल देते हैं इन्हों, ताकि धूप का अब भी टाइम हो चुका है, धूप ने अब आना है तो इनको धूप लगेगी सबको, तो ये धूप में आके बैठ देंगे। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बतानी है कि लवबर्ड, जैसा कि आपको बताया था कि मैंने बंद कर दिया था, लवबर्ड बंद किया तो मेरा भाई कह रहा था कि नहीं कोई बात नहीं है ये नहीं तंग करता, तो अब वो जब देखेगा ना कि बजिस वाले कमरे में बार बार चला जाता है तो अब वो खुद ही बंद करेगा, अब मैंने भी नहीं इसको छेड़ना क्योंकि मेरा भाई मेरी तो सुन नहीं रहा, तो ये अब काट लेगा आप खुद भी। और वो देख सकते हैं कि बच्चा नीचे गिर चुका है, ये बच्चा नीचे गिरा है डोली के अंदर से, आपको पहले भी बताया था कि डोली से के अंदर से गिर जाता नीचे, तो उसको उठाते हैं ये देख सकते हैं माशाल्लाह जी, ये तकरीबन दोस्तों रोज़ ही गिर जाता है, हमें रोज़ उठा कर अंदर रखना पड़ता है, ये है जी बच्चा और डालते हैं इसके अंदर, ये बाइट करने की कोशिश कर रहा है तो ये डाल दिया जी अंदर मैंने, ये बच्चे आप देख सकते हैं। इसने बच्चे निकालने इंशाल्लाह बहुत जल्द, और ये बच्चे हैं जी सारे फिर रहे हैं ये नीचे जो आपको दिखाए थे पहले, और ये दूसरे बच्चे जी ये भी माशाल्लाह जी फ्लाई करना स्टार्ट हो चुके हैं, इंशाल्लाह हम करीब इनको भी हम बाहर निकालेंगे और आप लोगों को इनका भी शौक करवाएंगे। देख सकते हैं कल के वीडियो में ये बाहर अंदर थी और आज ये फिर से बाहर आ चुकी है, तो ये पता नहीं कब ब्रीड करेंगे, तो इन्हों को अभी दाना भी डालते हैं भाई, इसको थोड़ा सा डालेंगे फिर रात को डालेंगे सारा दाना। तो अभी ऐसे मसला जी बिल्कुल फिट हैं अभी सारे पैरट्स, तो सारे एक एकदम डर के फ्लाई करना स्टार्ट हो चुके थे। अब मैं बाहर आ चुका हूँ और ये आपको न्यू शिफ्टिंग दिखानी थी, और अब आप लोगों को दिखाते हैं कि कीटन कैट का जो आपको बताया था पिछली टांग से मजदूर है और पीछे लेग्स भी है उसके काम नहीं करते, आप लोग नीचे चल के आपको दिखाता हूँ। आ चुका हूँ जी नीचे और ये देख सकते हैं, आपको बताया था जब धूप आ जाए तो हम इनके साइड पर कर देते हैं, और ये जी सारे तमाम डग्स, और ये भी माशाल्लाह जी बड़ी हो चुकी है बेल, ये है जी किटन का जो घर बनाया था, और आगे से मैट इसलिए दिया है क्योंकि रात को होती है यहाँ पर स्मॉग, तो जिसकी वजह से इसको स्मॉग ज़्यादा ठंड ना लगे, और ये इसका रास्ता निकला है बाहर आने का, और अब धूप का टाइम हो चुका है, धूप आने वाली है, अब इसको निकालते हैं जी बाहर, अभी आ जाएगी और अभी तो नहीं है ये मेरे ख्याल से यहाँ पर फ्री होगी, या फिर वो देखूँगी उसके नीचे है जी वो जो होता नहीं गंदम वाला
जिसके अंदर गंदम स्टॉक करते हैं वो उसके नीचे है जी बैठी हुई। और ये किटन का घर है, अभी आकर ये बैठ जाएगी। तो माशाल्लाह जी आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि हमने इसका घर कैसा बनाया। ये आगे ऐसे दे देते हैं ताकि, और ज़्यादा नहीं देते ताकि ये यहाँ से आ जा सके। और ये आ जाती है बाहर, खुद ही अंदर चल जाती है, इसलिए क्योंकि दोस्तों इसे ठंड से सेव करना बहुत ही लाजमी था, ये छोटा किटन था इसलिए। और दोस्तों आप लोग का शौक करवाते हैं जब नोट सेटअप का और आप लोग को दिखाते हैं। आ चुका हूँ जी मैं हवेली में, तो आप देख सकते हैं हमने इसकी सफाई करवाई थी, अंकल आए यहाँ पर हमारे तो वो सफाई कर देते हैं हमें। तो ये देख सकते हैं ये बैठी है जी डॉग, और ये बिछोई हुई है, और ये इसका बच्चा जी जैकी 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 जैकी, ये जी जैकी डॉग का नाम है जैकी। और आपको बताया था कि मैंने इसका नाम जैकी रखा, और बाकी आपको शो करवाते हैं सारा। आ चुका हूँ जी इनके पास चिक्स के, ये देख सकते हैं माशाल्लाह जी, ये हैं जी चिक्स। आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है ये चिक्स किस तरह के हैं। ये है जी हमारे पास एक मुर्गा आया था मियाँ वाली से, काफ़ी मशहूर है मियाँ वाली के मुर्गे, और वहाँ से आया था ये उसके मुर्गे, उसके बच्चे हैं। और आपको जैसे दिखाया इंशाल्लाह ये बड़े होकर हमारा शौक पूरा करवाएंगे इंशाल्लाह। और दो हैं जी यहाँ पर फिर इनकी माँ के साथ अपनी, तो देख सकते हैं दोस्तों हमने चारा इनको अभी डाला है, और ये सब्ज चारा है, ये सर्दियों में आता है जी बरसीन, ये वो हमने काट कर डाली हुई है, ये बड़ी शौक से खाते हैं। आपको शौक करवाते हैं जी, जो हमारे घर का जो बच्चा था आपको बताया था हैं जो है मुर्गा, अब वो आप लोग को दिखाते हैं। अंदर वो बंद किया हुआ है क्योंकि बाहर दूसरा मुर्गा है, और इसलिए ये झगड़ ना पड़े। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये बैठा हुआ है, सर्दियों में ये निज़ाम है जी बकरियों का, और रात को ये अंदर आ जाती है, हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और ये है जी माशाल्लाह मुर्गा देख सकते हैं। ये जी दोस्तों ये बिल्कुल छोटा सा था, जब इसकी माँ जो थी वो हमारा डॉग खा गया था, तो ये छोटे छोटे दो भाई थे, भाई हम ले गए जी अपने, हम अपने घर इनको उठा के ले गए थे। तो एक तब से लेकर अब तक दोस्तों देख सकते हैं माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। और जो दूसरा इसका भाई था वो पापा के दोस्त ले गए थे, और ये माशाल्लाह जी हमारे पास बड़ा हो गया, अंदर से बीमार हो गया था लेकिन इसको हमने दवाई दी तो ये ठीक हो गया था। तो ये जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो मेरा फेसबुक पर चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।